Children, now let's read the further paragraphs of this lesson. So these are the paragraphs given on in your book on page number 11. So let's read the first paragraph of on this page. So all of you, read with me. My mother is a teacher, but she doesn't teach children. She teaches grown-ups who want to become teachers. Mummy is at her workplace in this picture. So in this paragraph, Pihu is telling my mother is a teacher. Meri mummy teacher hai bidu. But she doesn't teach children. Matlab wo bachcho ko nahi padhati hai. Inko padhati hai, she teaches grown-ups. Wo grown-ups ko padhati hai. Now what is the meaning of grown-ups? It is written in your book. Its meaning, grown-ups means the adults. Adults ko bolte hai grown-ups. Aur adults kaun hote hai? Jo above 18 years hote hai. Jo 18 years se bade hote hai. They are not children, they are adults. Unko adults mana jata hai na. So vote bhi cast kar sakte, vote bhi de sakte hai na. इसीलिए उनको बोला जाता है एडल्ट. यानी जितने भी जिनको भी वो पढ़ाते हैं वो अबव 18 इयर्स के हैं. और वो कौन है? शी टीचर्स ग्रोन अप्स हु वांट टू बिकम टीचर्स. वो टीचर्स बनना चाहते हैं, यानी टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना. सो जो टीचर्स बनना चाहते हैं वो जो कोर्स करते हैं, वो जो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाती है पीहू की मम्मा. And last क्या लिखा है? Mummy is at her workplace in this picture. Means इस picture में mummy यानी पीहू की mother है अपने workplace पे, यानी अपने काम करने की जगह पे, जहाँ पे वो grown-ups को पढ़ा रही है, जैसे कि आप picture में देख रहे हो ना. Now let's read and understand the next paragraph on this page. मेरे साथ पहले पढ़ेंगे. Mummy gets back home at 4 in the afternoon. She picks up my sister from her play school on the way back. Sometimes I help her cook dinner. That is me shelling peas for her in this picture. So is paragraph mein kya bol rahi hai Pihu? Let's understand. Mummy gets back home at 4 in the afternoon. Sabse pehle to ye jo the likha hai isko aap d bologe jab उसके बाद लिखा हुआ वर्ड अगर ए ई आई ओ यू वाउल लेटर से शुरू होगा, वाउल साउंड होगा, तब आप द को क्या प्रोनाउंस करोगे पढ़ते वक्त? दी. मम्मी गेट्स बैक होम फ्रॉम, सॉरी, एट फोर इन दी आफ्टरनून. ओके, यानी दोपहर को 4 बजे मम्मा, पीहू की मम्मा गेट्स बैक होम, वो घर वापस आती हैं. शी पिक्स अप माई सिस्टर फ्रॉम हर प्ले स्कूल ऑन द वे बैक. यानी ऑन द वे बैक मीन्स वापस आते वक्त शी पिक्स अप वो मेरी बहन को, यानी जो यंगर सिस्टर है ना पीहू की, उनको प्ले स्कूल से भी पिकअप करते हुए आती, लेकर के आती है ऑन द वे बैक वापस आते वक्त. समटाइम्स आई हेल्प हर कुक डिनर. समटाइम्स मीन्स कभी कभी. आई हेल्प हर, आई यहाँ पे पीहू बोल रही है कि मैं कभी कभी मम्मा की हेल्प करती हूँ डिनर कुक करने में. दैट इज़ मी शेलिंग पीस फॉर हर इन दिस पिक्चर. शी इज सेइंग दैट ये जो पिक्चर में गर्ल दिख रही है, हु इज शेलिंग पीज, वो मटर छील रही है. दैट इज़ मी, वो मैं हूँ. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ शेलिंग? शेलिंग का इंग्लिश में आप मीनिंग क्या देखो, अपनी बुक में दिया है. रिमूविंग द आउटर कवरिंग, किसी भी चीज़ का आउटर कवरिंग, बाहर का कवर रिमूव करना, दैट इज़ शेलिंग. तो यहाँ पे वो क्या शेल कर रही है, किस चीज़ की शेलिंग कर रही है? पीज, मटर को छील रही है, मटर का आउटर कवर रिमूव कर रही है. तो शी इज सेइंग दैट कि कभी कभी मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ डिनर कुक करने में, और जैसे कि मैं इस पिक्चर में कर रही हूँ शेलिंग पीज, यानी मटर छील करके अपनी मम्मा की हेल्प कर रही हूँ, है ना. तो इसी तरह से हम लोगों को भी मम्मा की हेल्प करनी चाहिए. अभी तक जितना भी हमने रीड एंड अंडरस्टैंड किया स्टोरी को पीहू की मदर के बारे में, ये हम सभी की मदर की स्टोरी, चाहे वो वर्किंग है चाहे नॉट वर्किंग है. सिंस मॉर्निंग टू गोइंग टू बेड वो वर्क ही करते रहते हैं ना, तो हमें छोटा छोटा हेल्प मम्मा की करनी चाहिए, जैसे कि पीहू करती है. जब भी आपके पास टाइम हो, डॉटर, सन, फादर, जो भी है घर में, सबको मम्मा की हेल्प करनी चाहिए. नाउ लेट्स रीड फर्दर. पीहू क्या बता रही है अपनी मम्मा के बारे में, और क्या करती है पीहू की मम्मा? इन द इवनिंग शी हेल्प्स मी
with my homework. She is helping me with maths here. I enjoy doing maths. So, इस small paragraph पे पीहू बता रही है in the evening. यहाँ पे evening भी आपका e से start हुआ है ना, इसलिए आप इसको क्या पढ़ोगे? In the evening, okay? In the evening, she helps me with my homework. Afternoon को आती है school, अपने workplace से आती है, sister को लेके आती है, है ना? और सब काम वाम करती है. उसके बाद शाम को भी वो क्या करती है? She helps me with my homework. यानी शाम को भी वो मेरी हेल्प करती है मेरा होमवर्क कंप्लीट करने में. और आगे क्या बोले? शी इज़ हेल्पिंग मी विद मैथ्स हियर. यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें पीहू की मम्मा हेल्प कर रही है पीहू की कौन सा होमवर्क करने में? मैथ्स होमवर्क करने में. और पीहू ये भी बता रही है आई एंजॉय डूइंग मैथ. शी इज़ टेलिंग दैट शी एंजॉय डूइंग मैथ्स. उसको मैथ्स करना पसंद है, मैथ्स का वर्क करना पसंद है. लेट्स रीड फर्दर पैराग्राफ. बिफोर वी गो टू बेड The three of us watch TV or my mother reads stories aloud for me and my sister. We love stories and we enjoy reading them too. So in this paragraph you are saying before we go to bed. We matlab hum, ye pronoun use hota hai jab aap खुद के बारे में और अपने साथ और लोगों के बारे में बात कर रहे हो. यहाँ पे पीहू वी बोल रही है मतलब वो अब खुद के बारे में बोल रही है. मदर एंड सिस्टर मोर देन वन, जब आप और आपके साथ और भी लोग होते हैं तब आप वी यूज़ करते हो ना. तो यहाँ पे वो तीनों की बात कर रही है. वी गो टू, जब हम लोग बेड पे जाते हैं, मीन्स मदर सिस्टर एंड पीहू जब बेड पे जाते हैं. द थ्री ऑफ अस वॉच टीवी और, यानी हम लोग या तो टीवी देखते हैं और ये कंजंक्शन आपने क्लास वन में पढ़ा होगा. और हम ये कंजंक्शन यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो चॉइसेस हो, दो के बीच में चॉइस हो, यानी या तो हम टीवी देखते हैं या फिर नहीं तो फिर क्या करते हैं? माय मदर रीड्स स्टोरीज अलाउड फॉर मी एंड माय सिस्टर. या फिर या तो हम टीवी देखते हैं तीनों लोग बैठ के, या फिर हम तीनों, मेरी मदर हम दोनों के लिए, मेरे और मेरी सिस्टर के लिए स्टोरीज अलाउड पढ़ती हैं. अलाउड मतलब क्या होता है? क्लियरली नॉट साइलेंटली, धीरे धीरे से नहीं, क्लियरली लाउड वॉइस में हमारे लिए वो स्टोरीज रीड आउट करती हैं. वी लव स्टोरीज एंड वी इंजॉय रीडिंग देम टू. तो पीहू बोल रही है हम लोग को, यानी सिस्टर और पीहू को स्टोरीज पसंद है और वी लव रीडिंग देम, और हमें स्टोरीज को पढ़ना भी पसंद है. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, यू कैन सी ऑन द बेड पीहूज मदर, पीहू एंड हर यंगर सिस्टर, एंड पीहूज मदर इज reading stories for them. उनके लिए वो stories पढ़ रही है ना. Now let's read the last paragraphs of this lesson. Over the weekend, we spend time together doing things that we enjoy. So here Piyu is telling that, Piyu ये बता रही है over the weekend means वीकेंड के टाइम पर. और वीकेंड का मतलब यहाँ पर लिखा है सैटरडे एंड संडे, यानी हफ्ते के अंतिम दिन, यानी वीक का एंड डेज. वीक के एंड डेज में उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? वी स्पेंड टाइम टुगेदर, हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं. एक दूसरे साथ मतलब मदर सिस्टर एंड पीहू तीनों लोग. डूइंग थिंग्स वी इंजॉय, क्या करके समय बिताते हैं? डूइंग थिंग्स वी इंजॉय मतलब वो सारे काम करके जो हमें करना पसंद है. अब वो कौन से काम है? लेट्स सी. समटाइम्स वी गो टू द लाइब्रेरी, कभी कभी हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं. लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ बुक्स एक साथ आपको मिल जाते हैं ना, उसको आप वहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं. वहाँ वहीं पे आप बैठ के उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, या घर पे आप कुछ टाइम के लिए लेके आके भी पढ़ सकते हैं. पूरा कंप्लीटली आपका बुक अवेलेबल होते हैं हर तरह के. तो समटाइम्स वी गो टू, कभी कभी हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं. यू कैन, इसमें लिखा है यू कैन सी मी हियर चूजिंग अ बुक फॉर माई सेल्फ. शी इज सेइंग दैट इन दिस पिक्चर यू कैन सी मी, आप मुझे देख सकते हो कि मैं शेल्फ से बुक निकाल रही हूँ. इट मीन्स दे आर इन द लाइब्रेरी, है ना. तो यानी वीकेंड के टाइम पे सैटरडे एंड संडेज को अपना फेवरेट काम करते हैं, या तो वो लाइब्रेरी जाते हैं. अगर लाइब्रेरी नहीं जाते तो क्या करते हैं? लेट्स रीड. अदर टाइम्स वी गो टू द सिनेमा और थिएटर.
दूसरे समय पे अगर अगर हम लाइब्रेरी नहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मतलब पीयू, पीयू की मदर और उनकी सिस्टर क्या करते हैं, वी गो टू द सिनेमा और थिएटर। हम लोग या तो सिनेमा जाते हैं या थिएटर जाते हैं। सिनेमा मीन्स, सिनेमा इज बेसिकली आपका बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम या हॉल होगा जहाँ पे मूवीज़ वगैरह प्ले की जाती है ना, दैट इज़ सिनेमा हॉल और सिनेमा। थिएटर क्या होता है, थिएटर इज़ अगेन आपका बड़ा सा हॉल होगा, रूम होगा या बहुत बड़ा सा हॉल होगा जहाँ पर लोग इनैक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, ड्रामा वगैरह प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ थिएटर। तो यानी वो वीकेंड के टाइम पे या तो लाइब्रेरी जाते हैं या फिर सिनेमा मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं या फिर प्ले या ड्रामा देखने जाते हैं। नाउ लेट्स रीड फर्दर। माय मदर लव्स टू वॉच प्लेज, शी लव्स म्यूज़िक टू। मेरी मदर को प्लेज या ड्रामा वगैरह थिएटर में देखना बहुत पसंद है और उनको म्यूज़िक भी पसंद है ना, म्यूज़िक भी पसंद है। बट पीहू बोल रही, आई डोंट इन्जॉय प्लेज मच, मुझे प्लेज या ड्रामा वगैरह जो परफॉर्मेंस करते वो इतना पसंद नहीं है, बट आई लव म्यूज़िक, लेकिन मुझे म्यूज़िक पसंद है। एंड एट द एंड शी सेइंग, लाइफ इज़ फन विद माई मदर एंड सिस्टर। लाइफ बहुत ही फन, मज़ेदार है, बहुत ही वंडरफुल है विद माई मदर एंड सिस्टर। चिल्ड्रन, नाउ ऑल ऑफ यू विल रीड एंड अंडरस्टैंड दीज पैराग्राफ्स एंड दिस पैराग्राफ विद योर पेरेंट्स और एल्डर सिबलिंग्स, एंड यू विल फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स और द वर्ड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस एंड अंडरलाइन दोज वर्ड्स। आप इन सभी पैराग्राफ्स को रीड एंड अंडरस्टैंड करेंगे विद योर पेरेंट्स और एल्डर सिबलिंग्स, एंड आप इन पैराग्राफ्स में से न्यू वर्ड्स, कोई भी नए न्यू वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में या आपके लिए न्यू है, यू विल फाइंड आउट दोज वर्ड्स एंड अंडरलाइन दोज वर्ड्स।